नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नयन जीके वर्ल्ड में। आज हम देखने वाले हैं जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड भी है, इसीलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बताइए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर्स पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में, लुम्बिनी में जो है उनका जन्म हुआ था। और सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? अपना प्रवचन दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जो बैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काफी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपसे वृक्ष का नाम भी पूछ लेगा, तो कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई, तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ के ऋषि पतन मृग बाव में पांच लोगों को दिया था। इम्पोर्टेंट है कितने लोगों को दिया था? पांच। ये पांच उनके जानने वाले ही थे, जो पहले उनकी ही भांति साथ में ज्ञान प्राप्ति हेतु विभिन्न गुरुओं के पास जाकर साधना करते थे। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ सेलेक्टेड भी है, और मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप मेरे वीडियो में आए हैं तो मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर्स पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इम्पोर्टेंट है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। और कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? और एक बात बता दूं आपको, आप यदि चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे जाके यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाए, ठीक है? आप वहां पे जुड़िए, आपकी यदि कोई क्वेरी है तो पूछिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक में बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे वो भी बताइए। कोई भी डाउट है आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा और आपको गाइड भी करूँगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायबिटीज। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? डायबिटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जो इंसुलिन एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है, इसकी अनुपस्थिति में मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज, डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। इसके इंजेक्शन से
रक्त शर्करा की मात्रा घट जाती है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम का। तो बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, असम का। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जो बिहू है उसको बोहाग बिहू भी बोलते हैं और ये असम का महत्वपूर्ण त्योहार है। बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो सभी असमियों द्वारा बहुताई में मस्ती के साथ मनाया जाता है। तो असम में कौन सी बोली बोली जाती है, असमिया, बिना उनके जाति धर्म और विश्वास में भेद किए, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए नाबार्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। तो नाबार्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है, आंसर्स पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो जीके के क्विज है उससे रिलेटेड जो वीडियो की प्लेलिस्ट है ऊपर मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप एक बार जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। मेरे चैनल पर 5,500 से भी ज़्यादा वीडियोस है। यदि आपको लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स वीडियो देखिए, उसमें आपका जीके भी इम्प्रूव होगा, करेंट में क्या चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा। तो भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, देश में सबसे पहले जो सूर्य उदय है अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में होता है, इम्पोर्टेंट है। सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे, डोंग ग्राम में होता है। इसे भारत के सबसे पूर्वी गाँव के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, डोंग गांव। और सबसे पहले सूर्य जो है उदय किस गांव में होता है, डोंग गांव में होता है। जो डोंग गांव है चीन और म्यांमार के बीच समुद्र तल से 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इम्पोर्टेंट है। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप ना सिर्फ वीडियो देखिए साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होता है, सूर्य उदय कहाँ पे होता है सबको पता है, तो सूर्यास्त कहाँ पे होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आंसर्स पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मेघालय में। तो भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होता है, मेघालय में, इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देश के मानचित्र में सबसे पूर्व में स्थित राज्य में जो है मेघालय प्रमुख है। मेघालय में सूर्यास्त सबसे पहले और पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात में सबसे बाद में होता है, इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।